कामोठ्यातील भूमी टॉवर मधील सदस्यांच्या वतीने रविवारी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत कामोठे सेक्टर 36 या विभागात स्वच्छता करण्यात आली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी आणि परिसरातील रहिवाशांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला. या मोहिमेमुळे कामोठे परिसर चकाचक झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेचा नारा देत आरोग्य हित सेवा या उपक्रमांतर्गत संपूर्ण देशभरात स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत कामोठे येथील भूमी टॉवर या इमारतीतील सदस्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवली. यावेळी आरपीए जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक जगदीश गायकवाड, महापालिकेचे आरोग्य सभापती डॉ अरुणकुमार भगत, सभापती विकास करत, नगरसेवक दिलीप पाटील, विजय चिपळेकर, नगरसेविका संतोषी तुपे, कुसुम म्हात्रे, अरुणा भगत, कामोठे महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा विद्या तामखेडे, रमेश तुपे, प्रदीप भगत, आरजी म्हात्रे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, भूमी टॉवर मधील रहिवाशी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करून स्वच्छता अभियानाचे कौतुक केले. भूमि टावर के माध्यम से जो अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश में 2014 से एक लहर चली है, जिसमें आज तक हम दूसरे के ऊपर हमारी जिम्मेदारियाँ डाल रहे थे. आज इस जिम्मेदारी को हमने खुद ने निभाना चाहिए. इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उसके बाद हम सारे लोग आज कहीं ना कहीं से इस अभियान में हमेशा से जुड़े हुए हैं. एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि हम आम तौर पर दूसरों के ऊपर ये जिम्मेदारी डालते रहते हैं कि दूसरे हमारे शहर को साफ करेंगे, लेकिन अगर 120 करोड़ इस देश की आबादी है और अगर साफ करने वाले कुछ गिने चुने लोग हो तो ये हो नहीं पाए. तो अगर हम अपनी आदतों को कुछ हद तक बदले तो ये मुमकिन है. तो हम ना तो हम कूड़ा कचरा डालें ना दूसरे को डालने दें, एक और दूसरा. उसी के साथ साथ अगर साल के 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्तों में अगर 100 घंटे हम इस देश में हमारे क्षेत्र की साफ़ सफाई के लिए दें तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकल कर आता है. और ये पहल आज भूमि टावर के माध्यम से की गई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन.